हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 अप्रैल 2021 और 18 अप्रैल का दिन जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में, यानी कि विश्व धरोहर दिवस के रूप में। तो इस दिन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया क्यों जाता है। तो लोगों के बीच में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था 18 अप्रैल 1982 को, और इसको किसने मनाया था? यूनेस्को ने, यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। अब यूनेस्को आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यूनेस्को की मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को स्टेबलाइज हुआ था। अब जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021, इसकी जो है थीम क्या है? थीम इसकी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट्स, PASTS, कॉम्प्लेक्स पास्ट्स, डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो है 32 हेरिटेज साइट्स हैं, 32 जो है स्मारक इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम विशेष रूप से यूपी की बात करें तो यूपी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कितनी हैं? 3। सबसे पहला ताजमहल और आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। तो ताजमहल और आगरा का किला, इन दोनों को 1983 में ऐड किया गया था इस लिस्ट में, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में ऐड किया गया था। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।